केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला किया। कोलकाता में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील करते हुए कहा कि 2026 में बंगाल में परिवर्तन से शांति आएगी। 2026 में अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो हम घुसपैठ पर रोक लगाएंगे और राज्य में शांति सुनिश्चित करेंगे। अमित शाह ने आरोप लगाया कि बंगाल में रविंद्र संगीत की जगह बमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। बंगाल में राज्य सरकार घुसपैठ करा रही है। गाय और कोयले की तस्करी रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ बीजेपी सदस्य बनाने होंगे। अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी और मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद रहे। जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ हो रही है उसको रोकना है तो इसका एकमात्र रास्ता है कि 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं, इसको रोकना चाहते हैं बंगाल की जनता तो इसका एकमात्र रास्ता है 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब ये घुसपैठ रुक जाए। पीएम मोदी आज देश को बड़ी सौगात देंगे। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज